अभी रिकॉर्डिंग शुरू हाँ होगी। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एज यूजुअल ये व्लॉग भी जिम कॉर्बेट जा रहा है और इस वक्त हम दिल्ली में हैं और ETA जो है वो अभी 4 घंटे का दिखा रहा है। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7:46, 8 ही लगा लो, 8 बज रहे हैं। और ये वाला ब्लॉग जो है वो बेसिकली है बर्थडे ब्लॉग है ये, क्योंकि वान्या का है बर्थडे तो हम आज जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की सफारी के बाद, जो कल की हमारी सफारी है उसके बाद फिर हम वहाँ से चेकआउट करके फिर हम 19th मतलब 18th को हमारा चेकआउट है, फिर हम जा रहे हैं नैनीताल और 19th को है वान्या का बर्थडे। सो दिस ट्रिप इज़ फॉर सो चलो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, फिर आपसे आगे मिलते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहाँ से टूवर्ड्स टिल दी होटल एंट्रेंस तक रखूँगा, तो माइट भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। और अगर कोशिश करूँगा कम से कम छोटा से छोटा रखूँ। और उसके बाद फिर होटल, इस बार जो हमने होटल भी लिया है वो हमने लिया है सीताबनी रोड पे, और इस बार नाइट ड्राइव भी जो होगी वो सीताबनी की होगी, हम मोहान वाली रोड पे नहीं करेंगे। तो चलो आपसे आगे मिलते हैं, ये चलते हैं। एक करेक्शन करनी थी मुझे, ऑफ कैमरा बोला गया कि ऐसे कैसे बोल दिया कि मोहान नहीं जाएंगे, तो हम सीताबनी और मोहान दोनों की नाइट ड्राइव करेंगे। और ये जो निधि रामनगर वाली है साथ में ये कह रही है कि ना मतलब ही नहीं, मोहान तो मैं जाऊंगी। तो ये अपडेट था, तो नाइट ड्राइव मोहान की भी होगी, ठीक है ठीक। और हम पहुंच गए हैं छार झरसी के टोल पे और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। क्या आता है वो, नाम भूल गया मैं, गजरौला। हाँ, गजरौला पे ब्रेक लेंगे। तो बोला था ना रेगुलर आया कर, मैं ऐसे जगह भूल जाता हूँ। तो गजरौला में हम रुकेंगे, गजरौला के बाद फिर आगे नॉन स्टॉप जिम कॉर्बेट के लिए। और यहाँ पे अनुपमा चल रहा है और ये चेकआउट हो रहा है बाहर। हेलो चलो फिर अभी आगे रुकेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। गढ़ गंगा भी रुकना है, वैसे कुछ सामान है घर से, वो गढ़ गंगा में थोड़ा रुकेंगे 2 मिनट। तो हम गजरौला पहुंच गए हैं। मैकडोनल्ड्स ड्राइव थ्रू हम अंदर रुके नहीं, ये रहा मैकडोनल्ड्स, बस ऑर्डर लेंगे और चलते जाएंगे। और यहाँ से ETA है अभी 2 hours 44 minutes का, तो 12 बजे का है, 2 बजे तक हमने चेक इन, हमारा 2 बजे का चेक इन है। पहुंच जाएंगे आराम से, रुकेंगे नहीं अभी, चलते 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 हैं क्योंकि ट्रैफिक है नहीं सॉरी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है नहीं तो इसलिए ट्रैफिक है नहीं आज, विच इज़ गुड। थोड़ा बहुत बीच में टोल वगैरह का है तो है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है ट्रैफिक। भाई सुबह के हो गए अपने 10:18 बज रहे हैं, 10:18 हो गए और बस अब जिम कॉर्बेट का लेफ़्ट टर्न आ रहा है, 500 मीटर पे ही रह गया है। और ETA जो दिखा रहा है, ETA अपना अभी पूरे 2 घंटे हैं, एग्जैक्ट 2 आवर्स दिखा रहा है। और ये आ गया जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा बोर्ड है ये, बिल्कुल इतना बड़ा मिस ना हो जाए किसी से। ये देखा, ये रहा जिम कॉर्बेट, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेके हम आगे से लेंगे क्योंकि यहाँ पे ना ट्रक की वजह से ना बहुत रोड ख़राब है, तो हम नेक्स्ट वाले टर्न से लेंगे। बेल्ट जिम कॉर्बेट वाला लेफ्ट हमने मिस किया कि यहाँ से हम आएंगे, यहाँ की रोड भी अब ख़राब हो गई और ख़तरनाक ट्रैफिक हो रखा है, ट्रक होगा बहुत बुरा हाल है भाई। गड्ढे दे रहे, गड्ढे कितने बाप रहे। तो बीट ये है 38 मिनट्स और इस वक्त हम काशीपुर एंटर कर रहे हैं। ये काशीपुर का तिराया है, यहाँ से भी और पीछे से भी, सामने काशीपुर। और 12 बजे तक का हमारा पहुँचने का है, तो पहुँच जाएंगे 12 बजे तक। तो गर्मी बहुत सॉलिड है, क्योंकि लास्ट जो आए थे हम सर्दियों में आए थे, कब आए थे हम, है ना, दिसंबर में। दिसंबर में लास्ट आए थे, दिसंबर के बाद अब मार्च। तो रात को प्लेजेंट है 15-16 डिग्री, लेकिन दिन की तो है गर्मी। बाकी चलो अब होटल की तरफ पहुंचते हैं, एक बार रामनगर एंटर करेंगे, घर में एंटर करेंगे, तो फिर आप एक बार फिर मिलेंगे। अभी तो ये ट्रैफिक और ये काशीपुर को क्रॉस करते हैं, चलते हैं। वेलकम टू जिम कॉर्बेट भाइयों। और ये लेफ्ट हमारा झरना ढेला गेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टे जो है वो सीताबनी में है इस बार, तो हम कोसी रिवर क्रॉस करके टूवर्ड सीताबनी की तरफ जाएंगे। और ठीक पहुंच गए हम, 12 बजे तक का ETA था, 12 ही बज रहे हैं, 12:05 हो रहे हैं। ट्रैफिक नॉर्मल क्या है। अच्छा, यहाँ जितनी बार आ जाओ ना, कसम से, मतलब एक एक्साइटमेंट, एक फील अलग ही है यहाँ की। एकदम ऐसे घर जैसी फील आती है यहाँ पे। अब तो इतनी बार जिम कॉर्बेट आ चुके हैं कि हर गलियाँ, हर रोड सब पता है। चलो एक बारी मैं क्रॉस कर लूँ इसको, फिर टूवर्ड्स जब सीताबनी लूँगा तब मैं आपको फिर होटल तक का जो व्यू है, रास्ता है, वो दिखाऊंगा। चलते हैं अभी आगे। तो ये हम आगे टूवर्ड्स सीताबनी, ये कोसी रिवर का ब्रिज आ गया, कोसी रिवर के ऊपर से जा रहे हैं। वो वैसे उस वाले ब्रिज से जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे वो ब्रिज दिख रहा हो, वो उस तरफ। लेकिन एक टर्न हमने पहले ले लिया, तो ये भी वहीं जाके ही आगे मिलता है, लेफ्ट होकर। और ये सामने सीताबनी रेंज, और ये सीधा जाएगा आपका अल्मोड़ा, हल्द्वानी। और हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट। यहाँ पे बस अभी टाइगर किसी भी वक्त निकलेगा बाहर, रात को ही। सूख तो गया है जंगल वैसे तो, नीचे नीचे से सूखना शुरू हो गया है, ड्राई। पर ऊपर है हरा, लेकिन बस। और महीना नेक्स्ट अप्रैल ही तो है, अप्रैल मई जून में हो ही जाएगा। ये आपका सामने आ गया ब्रिज, ये जिम कॉर्बेट, और ये देहरादून और सीताबनी। और हमने यहाँ से ले लिया लेफ्ट। ये आपकी सीताबनी की चौकी आ गई, और यहाँ से हमारा 2.5 किलोमीटर से इस चौकी से रिसोर्ट जो हमने इस बार लिया है। चौकी हमें रात को क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी ना, अगर मोहान जाना है तभी हमें चौकी क्रॉस करनी है। ये तो एलिफेंट कॉरिडोर हो गया सारे। एलिफेंट कॉरिडोर क्रॉस करके ही है, हमारा रोड पे ही है। देखो कैसा रहता है, क्योंकि रिवर है, गर्मी है, रात को एक्टिविटी तो होनी चाहिए। बाकी ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे ही लक होती है बेसिकली टाइगर तो। और ये अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते होगे तो जब हमने सीताबनी की नाइट ड्राइव करी थी तो इस वाले स्पॉट पे हमें ये राइट में भी आपको जो दिख रहा है और ये लेफ़्ट में भी सेम ऐसा है। यहाँ पे बहुत ह्यूज हर्ड जो होते हैं डियर के, वो हमें रात को दिखे थे और हम काफ़ी देर रुके थे यहाँ पे। इधर भी पूरा था और ये लेफ़्ट में भी, जैसे आप देख रहे हो इस वाली रोड पे हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई थी। लेफ्ट टुवर्ड्स पाटकोट, हाँ हो सकता है पाटकोट जा रहा है, लगा पाटकोट। अल्मोड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है, नहीं फॉरेस्ट डिवीजन सॉरी। बोला नहीं फिर डियर को, बोल दो वेलकम के लिए खड़े रहना था। वान्या आ रही है, वान्या आपने बोला नहीं डियर को। वान्या स्पॉटिंग कर रही है वान्या कह रही है ढूंढ गुजरा कहाँ पे है। 1.1 किलोमीटर यहाँ से। वो टाइगर ने जो अटैक करा था जीप पे, वो भी तो इसी रोड पे वहीं पे था, शुरू में गई था, है ना। अलग ही दिखता है ना मंसून के टाइम पर, सारा ग्रीन। पाटकोट 26 300 मीटर। कॉलिंग मिलता है रात को ना, और बढ़िया वो नहीं, कॉलिंग तो होएगी है, जितना भी है अच्छा है। सारा डियर का है, सब डियर दिखेंगे। कॉर्बेट फन रिजॉर्ट क्या? अच्छा ये ऑफ रोडिंग है। अच्छा ये रहा टेढ़ा गेट, ओके। तो हम वैसे तो ज़्यादा ऊपर तो आगे तो नहीं आए, यहाँ से भी नीचे उतार सकते हैं देख के। ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग। ओह वाह, अय्या गुड यार, नाइस। दोनों अच्छा रिजॉर्ट को जा रहा है रास्ता, मेरे ख्याल 100 मीटर होगा, 100-150 मीटर 100 मीटर होगा। ये ऑफ रोड ये उतना ही है जैसे शाहबिला से हम कबीला की तरफ गए थे, वैसे ही है ये दोनों तरफ। बढ़िया जंगल का व्यू, जी आप आ जाओ पहले। चलो हमें जानते फिर, थैंक यू। ये रिजॉर्ट्स है राइट में, और ये रिवर बेड ही तो है ही है, ये भी रिवर बेड ही लग रही है। हाँ देख रहे हैं, वो आगे से बोर्ड होगा। तो ये राइट कटेगा ना, ये रहा ना टस्केन बोर्ड, टस्केन बोर्ड लेफ्ट लेफ्ट है। ये कौन सा है? कॉर्बेट फन रिजॉर्ट। अच्छा ये वो रहा कॉर्बेट, ये कॉर्बेट फन रिजॉर्ट है सामने, ये उसकी एंट्रेंस है। और ये सामने का सारा व्यू जो है वो इस तरह का आता है, ओपन एरिया। और ये हमारा सामने ये लास्ट है मेरे ख्याल से, इसके बाद इस एरिया में इसके बाद नहीं होगा। पम्पकिन टस्कन बोर्ड 200 मीटर और आगे भी अच्छा अंदर है यार ये था। 200 मीटर से भी और दिखता है। We have only forest after this. अच्छा अच्छा ओके हाँ हाँ। तो हमारी रिसेप्शन पे जब बात हुई थी, क्योंकि वो बेसिकली पूछते हैं कितनी देर में, तो जो मैम थी रिसेप्शन पे उन्होंने बताया था कि आपके रूम के बाद जो है वो सबसे एंड का रूम है और उस रूम के बाद सिर्फ फॉरेस्ट ही है, और स्विमिंग पूल जो है वो फ्रंट में है और आपके रूम की बैक जो है वो फॉरेस्ट की है। और हमने फिर से गलत ले लिया इधर लेफ्ट, और ये होता है लेफ्ट। फेंसिंग कर रखी है इलेक्ट्रिक ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ फेंसिंग, ऊपर से सारी इलेक्ट्रिसिटी। ये बीच में छोटा सा किसी ने अपना खोल रखा है, ट्री हाउस टाइप, हट भी हैं और छोटे सी प्रॉपर्टी बीच में। ठीक है, बढ़िया है यार, सबका चलना चाहिए। और क्या, हर किसी टाइप का बंदा होता, हर किसी टाइप का कस्टमर रहता है अपना। और ये टस्कन वुड जो है ये 200 मीटर बहुत आगे ही है अभी भी। ये बेसिकली जो आप ये लेफ्ट में देख रहे हो ना ऊपर, ये ग्रीन कलर के जितने भी हैं, मैं दिखाता हूँ रुक के, ग्रीन कलर के जितने हैं ना ये साथ साथ चल रहे हैं, ये जितने भी लगे हों। और ये रोड है सामने, इसी के पैरेलल ये चल रहा है। और ये बीच बीच में इन्होंने माइलस्टोन रखे हुए हैं टस्कन बोर्ड के, इस पे यहाँ तो पगमा वगैरह ढूंढो तो शायद वो भी मिल जाए, पॉसिबल है। अभी नहीं दिखेंगे, हिरण के लगे हुए दिख रहे हैं मुझे तो। यार सॉरी, मतलब आई एम अ वाइल्ड लाइफ लवर बट आई एम नॉट अ हार्डकोर वन, तो मेरे को इतना पता नहीं होता कि क्या है। कोई बता देता है तो मैं हाँ जी खुश हो जाता हूँ, तो लेकिन हाँ इतना तो पता है, चल जाता है कि मोर के हैं, हाँ मोर के हैं, हिरण के हैं या टाइगर के हैं इतना, लेकिन अब मेल फीमेल वाला हिसाब नहीं बता सकता हूँ। एनीवे सो, तो ये साथ में अच्छा ये बॉल ये वो कर रखी है, ये फॉरेस्ट होगा, ये क्या है इसके अंदर नहीं। अच्छा गांव है ये, ओके ये गांव की बाउंड्री है। बीच में वहाँ पे वायर मिसिंग था, एनिमल्स तो प्रॉपर क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस करने आया ही अभी यही लगता है मुझे तो, सामने देखते हैं। ये ऊपर वो बैडमिंटन कोर्ट आ गया ही तो है, अच्छा ये दिखा रखा है ना अंदर अंदर है सारा, तो यहाँ से देख गेट भी बंद कर रखा है, ये भी बाउंड्री के अंदर है, ये फॉरेस्ट है। हाँ ये फॉरेस्ट है, इसका मतलब ये लेफ्ट में फॉरेस्ट है और ये बाउंड्री आप देख रहे हो, सारी बाउंड्री कर रखी है इन्होंने। और फिर उसके बाद ये गेट भी है, ये गेट भी कर रखा है इन्होंने। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट उसमें आपको फिर अपने प्रॉपर्टी दिखाता हूँ।